फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। चलिए अब देखते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में। इसके पहले अभी हमने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का डिस्कस किया, वहां पे एग्जांपल दिखाया कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। जो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है हमेशा आपका जनरेट कहां से होता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से ही जनरेट होता है। मीन्स एवरी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज जनरेटेड बाई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। यहाँ पे डिफिनेशन देखिए इसका क्या कह रहा है। इफ जी मीन्स ग्रामर, ग्रामर में फोर टपल्स हैं, वी सेट ऑफ टर्मिनल नॉन टर्मिनल, सिग्मा सेट ऑफ टर्मिनल, पी सम प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट सिंबल कैपिटल एस इज ए सी एफ जी। अगर ये आपका सी एफ जी दिया हुआ है, द लैंग्वेज ऑफ जी, इस ग्रामर का जी क्या होगा, वो डिनोटेड बाइड होगा एल जी, मीन्स जो लैंग्वेज डिनोट किया जाएगा वो डिनोट करेंगे हम एल जी से। इज सेट ऑफ टर्मिनल, वो लैंग्वेज क्या होगा, सेट ऑफ टर्मिनल स्ट्रिंग, सेट ऑफ टर्मिनल दैट हैव डेरिवेशन फ्रॉम स्टार्ट सिंबल, दैट इज एल जी इज इक्वल टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार मीन्स जो स्ट्रिंग होगा वो हमेशा क्या होगा, जो भी आपका टर्मिनल होगा उसी के कॉम्बिनेशन से हो सकता है या नल हो सकता है, तो डब्ल्यू आपका स्ट्रिंग हो गया। और हर डब्ल्यू जो एक्सेप्ट होगी, डिराइव्ड होगी, वो स्टार्ट सिंबल से डिराइव्ड होना चाहिए, ग्रामर के स्टार्ट सिंबल से। इसको फिर समझिएगा, जो आपका लैंग्वेज होगा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, वहां पे क्या होगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग को ही हम क्या कहेंगे, लैंग्वेज कहेंगे। और जैसे सेट ऑफ स्ट्रिंग होंगे वो किससे बनेंगे, सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल से, क्योंकि टर्मिनल सिंबल ही वहां पे होगा स्ट्रिंग में। तो बोल रहा है कि हर टर्मिनल स्ट्रिंग को अगर हम उसमें से किसी टर्मिनल स्ट्रिंग को चूज करें जो W है स्ट्रिंग को, तो किससे बना होगा, सिग्मा स्टार से ही बना होगा। और हर W को स्टार्ट सिंबल, जो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल होगा, वहां से हम उसको एक्सेप्ट करा लें, उसको डिराइव कर लें। अगर डिराइव हो जाता है देन तो वो स्ट्रिंग जो है उस लैंग्वेज का पार्ट है, अदरवाइज उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। अब यहां पे स्टार लगा हुआ, स्टार का मतलब है कि एस से हम डबल स्ट्रिंग को डिराइव कर ले, नंबर ऑफ स्टेप्स, कई नंबर ऑफ स्टेप में हम ले सकते हैं, उसी को स्टार डिनोट कर रखा है। यहां पे जी मीन्स इसी ग्रामर का, इस ग्रामर के थ्रू, इस ग्रामर का कोई भी नंबर ऑफ प्रोडक्शन यहां पर हम लगा के इसको डिराइव कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर कोई ग्रामर आपका दिया हुआ है, कोई ग्रामर दिया हुआ है जी इज इक्वल टू ई प्लस मल्टीप्लाई आई डी, ये ग्रामर दिया हुआ है, पी प्रोडक्शन रूल एंड स्टार्ट सिंबल ई दिया हुआ है। प्रोडक्शन रूल क्या दे रखा हुआ है, प्रोडक्शन रूल दिया हुआ है E can be E plus E, E can be E multiplied by E and E can be ID, ठीक है। अब जो इस लैंग्वेज बोला कि उस लैंग्वेज का सपोज करो कि जो लैंग्वेज ये ग्रामर जनरेट कर रही है उसका स्ट्रिंग हम चूज किए एक W इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी। अगर इस स्ट्रिंग को हम चूज कर रहे हैं तो इस स्ट्रिंग को हम इस ग्रामर से देखते हैं कि क्या स्टार्ट सिंबल मींस कैपिटल ई स्टार्ट सिंबल है, क्या स्टार्ट सिंबल से इसको हम डिराइव कर पा रहे हैं। अगर डिराइव कर लेंगे तो क्या होगा, वो आपका ये स्ट्रिंग जो है जिस लैंग्वेज का भी पार्ट है स्ट्रिंग, उस लैंग्वेज वो लैंग्वेज जनरेट कर सकती है ग्रामर। देखिए कैसे कर रहा है। अब इसको अगर डिराइव देखें तो डेरिवेशन इसका देखने के लिए आपके दो फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है सेंटेंशियल फॉर्म और दूसरा तरीका होता है आपका डेरिवेशन ट्री फॉर्म। ये जो डेरिवेशन यहां पे लिया हुआ है, जो बोला है डेरिवेशन फॉर्म, तो वही डेरिवेशन ही रहेगा। उस डेरिवेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, तो सेंटेंशियल फॉर्म में ले सकते हैं और एक डेरिवेशन ट्री के फॉर्म में ले सकते हैं। तो सेंटेंशियल फॉर्म में क्या होगा, सेंटेंशियल फॉर्म में देखिए, जैसे हम ले स्टार्ट सिंबल कौन सा है ई, यहां पे बोल रहा है कि स्टार्ट सिंबल से ही उस स्ट्रिंग को डिराइव होना चाहिए। तो हम देखते हैं डिराइव हो रहा है यहां पे। अगर हम स्टार्ट सिंबल ई लें तो ई से क्या है, तीन प्रोडक्शन है, तीनों प्रोडक्शन में से यहां पर कोई भी एक प्रोडक्शन ले सकते हैं। चलिए हम इस प्रोडक्शन को अगर लेते हैं तो हम लिख सकते हैं यहां पर ई प्लस ई,
ई कैन बी ई प्लस ई। अब यहां पे अगर आप आगे चलें तो इस आगे चलने में या तो हम इसको रिड्यूस करें, या तो हम इसको रिड्यूस करें, या तो हम इसको रिड्यूस करें। अब देखिए हम पहले सपोज कीजिए इसको रिड्यूस कर रहे हैं, इसको रिड्यूस हम अगर इस रूल से कर लें ई कैन बी आई डी, तो यहां पर हो जाएगा आई डी प्लस ई। अब ध्यान दीजिए आईडी कभी भी ग्रामर लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, मतलब आईडी को हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। आईडी क्या है? आपका टर्मिनल सिंबल है। अब अगर इसी को एक बार और स्टेप चलें तो आईडी प्लस ई, इस ई को अगर हम फिर से डिराइव कर दें किससे, ई कैन बी आईडी से, तो क्या हो जाएगा आईडी प्लस आईडी। अब देखेंगे कि ये स्ट्रिंग क्या हुआ, इस स्टार्ट सिंबल से हम इस स्ट्रिंग को डिराइव कर ले रहे हैं, मतलब कि ये स्ट्रिंग जो है इस ग्रामर से ही जनरेट हुई है। दूसरा डेरिवेशन ट्री फॉर्म में हम कैसे देख सकते हैं, डेरिवेशन ट्री फॉर्म में देख सकते हैं जैसे कि डेरिवेशन ट्री अगर हम स्टार्ट करें ई से, तो ई से हम क्या ले सकते हैं, आइदर इसको ले सकते हैं, आइदर इसको ले सकते हैं, आइदर इसको ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले को लेते हैं ई प्लस ई, तो क्या हो जाएगा ई प्लस ई। अब इसके बाद हम ले इस ई से, इस ई से हम क्या ले लें आईडी ले लें, तो इस ई से अगर हम इस रूल को लेते हैं आईडी, तो क्या हो जाएगा आईडी मेरा मैच कर रहा, आईडी आ जाएगा। इसके बाद इस ई से अगर हम ले लें आईडी, तो क्या हो जाएगा ए भी आईडी हो जाएगा। अब देखें तो क्या बना, आईडी प्लस आईडी, यही बना आईडी प्लस आईडी लीफ पे बना, मतलब कि ए भी क्या हो रहा है, ए भी एक्सेप्ट कर लिया, ए भी डिराइव हो गया। तो दोनों तरीके से हम डिराइव कर सकते हैं, यही डेरिवेशन आपका होता है। आज के लिए बस हम इसका इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेरिवेशन क्या होगा, डेरिवेशन ट्री क्या होंगे, कैसे बनेंगे, उसमें क्या एम्बिग्यूटी भी आ सकती है, एम्बिग्यूटी हम देखेंगे, और कई सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके वहां पे और भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद।